प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की सामान्य क्लास बाल्यावस्था और वृद्धि विकास के अंतर्गत इकाई पढ़ेंगे, पांचवी। इस पांचवी इकाई के अंतर्गत हमने बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि की अर्थ, बुद्धि की परिभाषाएं और बुद्धि के प्रकार और बुद्धि की विशेषता, इन सभी के बारे में मैंने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको शिक्षा दी थी या दिखाया था या पढ़ाया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अभियोगिता। क्या पढ़ेंगे? अभियोगिता का बोला होता है एप्टीट्यूड। क्या होता है? एप्टीट्यूड। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जीवन के अंतर्गत हर व्यक्ति अपने अपनी योग्यता को बखान करने के लिए, पहचान बनाने के लिए वो अपने आप को व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो इसका मतलब ये होता है, अभियोग्यता का मतलब ये हुआ है कि व्यक्तिगत विभिन्नता एक प्रमुख कारण अभियोग्यता में है। अभियोग्यता में अंतर होना भी है क्योंकि व्यक्ति के जीवन में हमेशा बुद्धि के आधार वो कार्य तो करता है, परंतु वो सोचता है कि मेरी बुद्धि का प्रयोग इनकी तुलना में कितना है। तो वो अपनी अलग से पहचान बनाने के लिए, अलग से अपने आप की बखान करने के लिए अपना परिचय इस प्रकार से देता है कि वो सबसे थोड़ा अलग होता है, वो सबसे थोड़ा अलग होता है। तो अभियोगिता में विभिन्नता होने के कारण ही कोई व्यक्ति तो घास काटने में योग्यता रखता है, मतलब मुझे कोई लेना देना नहीं है, मतलब मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो ठीक है। हम किसी भी व्यक्ति से कार्य करते हैं या पूछ किया जाता है तो वो कार्य हमेशा अच्छा होता है। तो हर व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने व्यवहार, अपने कर्तव्य के आधार पर अपने अपने विचारों को प्रकट करता है, तर्क वितर्क करता है, अपनी बातों को किसी के सामने रखता है। तो वहाँ जो हम रखते हैं वो सब क्या है? अभियोगिता। अभियोगिता होता है कि एक व्यक्ति 50 साल या 30 साल का व्यक्ति और वो 50 साल के व्यक्ति से बात कर रहा है, तो वो कुछ क्या होता है कि उसमें बात करने का एक तरीका होता है और उस तरीके से आधार पर व्यक्ति अपनी पहचान को खुद बनाने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी पहचान के लिए अपने आप के व्यवहार, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से बात करता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता बनाए रखता है। तो कोई व्यक्ति कोई तो क्या घास काटने में लगा रहता है, कोई अभिनेता बनने की योग्यता रखता है, अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने वार्तालाप को इस प्रकार से व्यक्त करता है कि लोग उसके वाणी के प्रति, उस व्यक्ति की आवाज के प्रति इतने आकर्षित होते हैं कि नहीं, ये नेता बहुत अच्छा है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका एक व्यवहार, उसकी योग्यता, चाहे वो योग्यता कम है लेकिन उसका बोलने का तरीका सबसे अच्छा है, तो मतलब उसके पास योग्यता का कुछ बखान। हम कहते हैं कि जीवन के अंतर्गत हम प्रयास करते रहना चाहिए, फल की इच्छा मत करो, कार्य करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्य के अनुसार हमें फल जरूर मिलता है। कहते हैं हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास रसरी आवत जावत तल पर पड़ा दिशात। तो ये क्या है तरीका, मतलब हम जितना अभ्यास करते हैं, जितना हम बोलते हैं, जितना हम कार्य करते हैं, तो उस कार्य के अंदर थोड़ा थोड़ा क्या होता है, निखार आता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति भी अपने कार्य, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के आधार पर जो कार्य करता है तो उसमें भी क्या होता है, एक योग्यता का विकास होता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए भी ईश्वरीय देन है। हम एक साधारण व्यक्ति समझते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, यानी हर इंसान के पास बुद्धि होती है और बुद्धि का प्रयोग वह अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपने व्यवहार के अनुसार करता है। कि उसको कैसा करना चाहिए कि मनोविज्ञान में बताया गया है कि इसी जन्मजन्म मानसिक विशिष्टता क्षमता को अभियोगिता का नाम दिया गया है। इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक ने इसी जन्मजात मानसिक विशिष्टता, विशिष्ट क्षमता, विशिष्ट मतलब अच्छी योग्यता वाले व्यक्ति को ही अभियोगिता नाम दिया गया। ये तो इसका था थोड़ा भूमिका थी। अब आती है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा में क्या होता है, बड़ी
अरबी युक्ति है कि परिभाषा। तो अभी योग्यता की परिभाषा जो है वो अलग अलग व्यक्ति ने बताया है। तो पहले बताया है कि अभियोगिता मतलब कि अभियोगिता योग्यता एक स्थिति व स्थिति व विशेषताओं को, अभियोगिता एक स्थिति व अभी विशेषताओं का समूह है जो इंगित करता है, जो क्या करता है, इंगित करता है, क्या करता है कि व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान योग्यता और प्रतिक्रियाओं प्रतिक्रियाओं के समूह प्रतियोगिताओं के समूह जैसे भाषा बोलने की योग्यता यांत्रिक कार्य करने के लिए योग्यता का विषय कार्य करने की योग्यता का विकास होता है। कार्य करने की योग्यता का विकास करता है। देखो अभियोग्यता की परिभाषा मैंने क्या बताया, देखिए पढ़ते हम कि अभियोग्यता एक विशेष स्थिति विशेषताओं का समूह जो इंगित करता है कि व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान प्रतिक्रियाओं के समूह जैसे भाषा बोलने की योग्यता यांत्रिक कार्य करने की योग्यता का विकास करता ही अभियोग्यता होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि ये परिभाषा जो है ट्रिमेन के अनुसार है, किसके अनुसार है, ट्रिमेन के प्रीमेन। एक मनोवैज्ञानिक कहता है कि अभियोगिता एक ऐसी स्थिति है, एक विशेषताओं का समूह है जो ये इंगित करता नहीं, ये इशारा समझाता है कि व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान या प्रतिक्रियाओं के समूह जैसे भाषा बोलने की योग्यता, मतलब कोई व्यक्ति होता है उसमें बोलने की तकनीक बहुत अच्छी है, बड़े बड़े नेता जो होते हैं वो इस प्रकार के भाषण को अपने प्रस्तुत करते हैं कि लोग उसको सुनकर अपनी ओर आकर्षित हो जाते हैं। एक चुंबक लोहे की तरह से आकर्षित होता है, एक नेता भी अपनी वाणी को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है, अपनी पहचान बनाता है कि व्यक्ति उस क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है, नहीं ये व्यक्ति बहुत अच्छा बोल रहा है, आज हमारे हम जहाँ बोलते वहां खड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, उसमें एक ऐसी योग्यता का विकास है कि वो किसी भी व्यक्ति को कैसे भी करके उसको कार्य कर सकता है। यांत्रिक कार्य करने के लिए यांत्रिक का मतलब है कि जो क्रिया मशीनों द्वारा होता है ठीक उसी प्रकार का कार्य वो व्यक्ति भी कर रहा है, उसके अनुसार कार्य करने की योग्यता का विकास होता है,
वह अभी योग्यता कहलाती है। एक और है बकिंगम के अनुसार भी है, तो आप पढ़ते हैं कि अभियोगिता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के उपरांत उसके ज्ञान दक्षता प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता। प्रशिक्षण जैसे आप बीएड कर रहे हो, आप बीएड फर्स्ट ईयर सभी विद्यार्थी, तो सभी विद्यार्थियों को हमारे द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको ज्ञान दिया जाता है कि आपको अपना व्यवहार उस बच्चे के अनुसार कैसे होना चाहिए। तो उस बच्चे के हम जब पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद में अधिगम जो होता है, अधिगम पर सीखना और सिखाना, पहले हम सीखते हैं फिर सिखाते हैं। तो आप जो क्रिया कर रहे हैं वो अभी सीखने वाली क्रिया कर रहे हैं, और सीखने के बाद जब आप परिपूर्ण हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हो, तो किसी विद्यालय में जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो तो वहां अपनी अभियोग्यता के द्वारा अपना प्रशिक्षण उस विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आपकी ज्ञान कितना है, आपकी दक्षता कितनी, आपकी प्रतिक्रियाओं के प्रति सीखने की योग्यता कितनी, वो सभी किसमें आता है, वो सभी जो कार्य है अभियोग्यता में आता है। ये बकिंगम के अनुसार है, बकिंगम के अनुसार है। तो हम जो परिभाषा पढ़ी है ये इसके अनुसार ठीक है, या आज तक इतना ही, हम कल इसकी पढ़ेंगे अभियोग्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको द्वारा सभी अध्यापक द्वारा जो वीडियो व्याख्यान आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं या समझाए जा रहे हैं, उसको अपने अपनी पाठ्य पुस्तक अपने विषय के अनुसार आपको नोट करना है, कार्य करना है, क्योंकि इसी के अनुसार आपका आंतरिक मूल्यांकन सेशनगत कार्य सभी हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखना, आप अपना कार्य समय पर पूर्ण करें।